नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 के मैच नंबर 22 में आज आमने सामने होने वाले हैं ऋषभ पंत और विराट कोहली। पॉइंट टेबल में नंबर वन बनने के लिए दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ऋषभ पंत और विराट कोहली ने मीटिंग में अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, किन खिलाड़ियों को मिला है मौका। इसके अलावा दोस्तों, हेड टू हेड मुकाबले में किस टीम का पलड़ा है पारी और आज के इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतने वाली है, मैच प्रेडिक्शन हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मैदान की पिच रिपोर्ट भी हम आपको देने वाले हैं, यानी कि तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। और साथ ही साथ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का ये 22वां मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ होंगे विराट कोहली तो दूसरी तरफ युवा ऋषभ पंत होंगे, यानी कि दोनों कप्तानों के बीच हमें एक अलग ही प्रकार का रोमांच देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के आईपीएल 2021 के परफॉर्मेंस की बात करें तो फिलहाल इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली कैपिटल नंबर 2 पर मौजूद है तो वहीं पर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नंबर 3 पर मौजूद है। लेकिन आज के इस मुकाबले में जो टीम मुकाबला जीतेगी वो बन जाएगी पॉइंट टेबल में नंबर 1 टीम, यानी कि इस मुकाबले में दोनों टीमें नंबर 1 बनने की रेस में आगे आएगी। वहीं पर दोस्तों, हम बात करें अब इस मुकाबले के बारे में कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। तो यहाँ पर वैसे तो फिलहाल दोनों टीमों के कई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा निगाहें एक बार फिर शिखर धवन और ऋषभ पंत के ऊपर होगी। दोनों बल्लेबाज इस समय काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। शिखर धवन ऑरेंज कैप के होल्डर है इस समय, तो वहीं पर उनके साथ ऋषभ पंत भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा टीम में पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ मौजूद है, तो गेंदबाजी में वहीं पर अक्षर पटेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड रहने वाला है। तो अक्षर पटेल के अलावा भी यहाँ पर टीम में कई शानदार गेंदबाज है, जिसमें कंगिसो रबाडा और आवेश खान मौजूद है। तो वहीं पर दोस्तों, हम बात करें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की, तो इस टीम के पास भी दमदार खिलाड़ियों की फौज है। जहाँ तक बात की जाए इस समय शानदार फॉर्म की, दो कप्तान विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल जो कि इस आईपीएल में एक शतक लगा चुके हैं, साथ ही साथ यहाँ पर दो तूफानी बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है, एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल। इन चारों खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो वहीं पर डेथ ओवर की जो समस्या थी इस टीम की, उसको यहाँ पर काफ़ी हद तक हल कर दिया है मोहम्मद सिराज और अर्शल पटेल ने। तो उम्मीद है कि एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस करेंगे टीम के लिए और यहाँ पर इस मुकाबले में वापसी कराएंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में एक और बेहद ही रोमांचक चीज़ देखने को मिलने वाली है, वो है कि ऋषभ पंत और विराट कोहली एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन अब तक देखा जाए तो इस आईपीएल में ऋषभ पंत तीन बड़े कप्तानों के ऊपर भारी पड़े हैं। उन तीन कप्तानों के नाम हैं महेंद्र सिंह धोनी, डेविड वार्नर और लोकेश राहुल, के साथ साथ रोहित शर्मा को भी उन्होंने हराया है। यानी कि ऋषभ पंत बड़े बड़े कप्तानों को मात दे चुके हैं और अब बारी है विराट कोहली की। हालांकि विराट कोहली की टीम इस बार कुछ अलग ही फॉर्म में चल रही है। अब तक अपने हुए 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीत चुकी है, जो अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है। लेकिन आखिरी मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर महेंद्र सिंह धोनी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स से हारी थी, लेकिन अब एक बार फिर ऋषभ पंत से उनका सामना होना है। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोनों टीमों के बीच अब तक के आईपीएल इतिहास के हेड टू हेड मुकाबलों की। तो यहां पर पलड़ा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का भारी रहा है। दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु का जीत का सक्सेस रेट 58% है। हेड टू हेड मुकाबलों में अब तक दोनों टीमें 26 बार आमने सामने हो चुकी हैं। इन 26 मुकाबलों में से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 15 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि दिल्ली कैपिटल को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। लेकिन दोस्तों, बात करें हम आखिरी के कुछ मुकाबलों की, यानी कि आखिरी 4 मुकाबलों की 2 सीजन के, तो यहाँ पर 4 मुकाबले दिल्ली कैपिटल ने जीते हैं। यानी कि पिछले 2 साल से दिल्ली कैपिटल का पलड़ा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर भारी रहा है। वहीं पर अब आज के इस मुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होगी, तो यहाँ पर मुकाबला बेहद ही रोमांचक होगा, क्योंकि यह मुकाबला खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इस मैदान के पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो पिछले 6 T20 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मैच और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं। यानी कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल होता है। पिच के मिजाज की बात करें तो यहाँ पर लगभग 150 प्लस का स्कोर बनता है और यहाँ पर तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इस मैदान के ऊपर लो स्कोर मुकाबला डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल होगा, यानी कि एक बार फिर आपको 170 से 180 रन तो इस मैदान पर बनाने ही होंगे मुकाबला जीतने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में कि आखिरकार कौन सी टीम मजबूती के साथ मैदान पर उतर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, दिल्ली की तरफ से शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने इस टीम के लिए काफ़ी शानदार
शुरुआत की है और एक बार फिर इनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद करेगी दिल्ली कैपिटल। तो वहीं पर नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ उतरने वाले हैं टीम की तरफ से। स्टीव स्मिथ का परफॉर्मेंस उतना अच्छा तो अब तक नहीं रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक नए मैदान पर वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वहीं पर नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत उतरने वाले हैं। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 पर उतरेंगे सिमरन हेटमायर। तो नंबर 6 पर मार्को स्टोइनिस उतरने वाले हैं। सिमरन हेटमायर और मार्को स्टोइनिस के ऊपर मैच को फिनिश करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले में रहने वाली है। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद नंबर 7 पर ऑलराउंडर ललित यादव उतरेंगे। तो नंबर 8 पर उतरेंगे अक्षर पटेल। इसके बाद नंबर 9 पर उतरने वाले हैं कंगेश्वर रबाडा। तो नंबर 10 पर अमित मिश्रा उतरेंगे, जबकि नंबर 11 पर आवेश खान उतरने वाले हैं। टीम की सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर अक्षर पटेल, कंगेश्वर रबाडा और अमित मिश्रा जैसे अनुभवी गेंदबाजों के पास होगी, जो कि इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। अक्षर पटेल ने अपनी धमाकेदार वापसी की थी पिछले मुकाबले में और एक बार फिर उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल के अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस आईपीएल को छोड़ चुके हैं, तो वो यहाँ पर हमें खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, जो दिल्ली के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन की फॉर्म उतनी अच्छी भी नहीं थी, 5 मुकाबलों में वो सिर्फ एक ही विकेट चटका पाए थे। लेकिन अब यहाँ पर टीम के पास जो बचे हुए हैं ललित यादव, अक्षर पटेल, उनके पास बेहतरीन मौका है कि यहाँ पर टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों वैसे तो इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फिलहाल ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली हमें खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक इस सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस किया है, खास करके देवदत्त पड्डीकल ने। तो एक बार फिर देवदत्त पड्डीकल से टीम को बड़ी उम्मीदें रहेगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर टीम में एक बदलाव हमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें शाहबाज अहमद या फिर रजत पाटीदार दोनों में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल। तो वहीं पर नंबर 5 पर एबी डिविलियर्स खेलते हुए दिखेंगे। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल इन्हें रोकना चाहेगी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर उतरने वाले हैं वाशिंगटन सुंदर। तो नंबर 7 पर डेन क्रिस्टियन या फिर डेनियल सेम से कोई एक हमें खेलता हुआ नजर आएगा। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 8 पर काइली जेमिसन, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, नंबर 10 पर यजुवेंद्र चहल और नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज उतरने वाले हैं। यानी कि इस टीम के पास भी गेंदबाजी काफ़ी शानदार है, जो कि बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं, खास करके हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। तो इसके अलावा अनुभवी युजवेंद्र चहल भी मौजूद है टीम के पास, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये टीम यहाँ पर कर सकती है। डेथ ओवर में इस टीम की समस्या को हल किया है इन गेंदबाजों ने। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की कि आखिरकार किस टीम का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो वैसे दोनों टीमों का परफॉर्मेंस इस बार काफ़ी शानदार रहा है और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई आ रही है। लेकिन इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर। आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा है भारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।